अगले वक्ता को मैं बुलाऊंगी, वो है श्री आर.आर. वर्मा। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए बहुजन समाज की समस्या और उनके समाधान पर आयोजित इस सम्मेलन में आए हुए सम्मानित साथियों, नौजवान साथियों, महिलाएं, बहनें, सबको मेरा सादर जय भीम। भारत की जो समाज व्यवस्था है वो वर्ण या जाति व्यवस्था के आधार पे स्थापित है। इस व्यवस्था में जो बहुसंख्यक वर्ग है वो आज गैर बराबरी, शोषण, अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति का शिकार है। प्राकृतिक और देश के संसाधनों का असमान वितरण ये सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी के कारण हैं। भारत का संविधान प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर भारत में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में सामाजिक न्याय अर्थात समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की प्रतिस्थापना करता है। संविधान लागू होने के 72 वर्षों के बाद ठीक समय है कठोर सवाल करने का, किसे सामाजिक न्याय मिला। बहुजन नायकों के आंदोलन सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन थे। यह आंदोलन नैतिक मूल्यों और सामाजिक सौहार्द स्थापित करने के आंदोलन थे। बहुजन आंदोलन में बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का लोकतांत्रिक सूत्र समाहित है। हिंसा के प्रयोग के बिना तथागत बुद्ध ने ब्राह्मणी या आर्य सभ्यता का तहस नहस किया। सहस्त्र वर्षों तक भारत बुद्धिमय था। इस काल में समग्र मानव मूल्यों की स्थापना हुई। कबीर, नानक, गुरु घासीदास, संत रविदास, पेरियार, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, नारायणा गुरु, अयोध्या दास, संत गाडगे जी महाराज आदि संतों गुरुओं ने समाज में व्याप्त विषमता, गैर बराबरी, पाखंड, अंधविश्वास, रूढ़वाद की जड़ों को खोखला किया। भारत में हजारों वर्षों से स्थापित मनु आदि व्यवस्था जो गैर बराबरी और असमानता पर आधारित थी, उस व्यवस्था के विरुद्ध समता मूलक समाज की स्थापना का आंदोलन बहुजन आंदोलन है। बाबा साहब ने विभिन्न आंदोलन चलाकर महाराष्ट्र सत्याग्रह, कालाराम मंदिर, साइमन कमीशन और अंग्रेजी हुकूमत से प्राप्त कमनल अवार्ड एक अभूतपूर्व सफलता थी बाबा साहब की। बाबा साहब ने भारत के संविधान की रचना कर देश को लोकतांत्रिक पद्धति वाली शासन प्रणाली का निर्माण किया, जिसमें सब समाज को समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की भावना से समता मूलक समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। बाबा साहब ने देश में रह रहे बहुसंख्यक वर्ग जिसमें SC ST OBC सभी सम्मिलित हैं को मिलाकर सामाजिक और आर्थिक आंदोलन चलाकर बहुजन समाज के निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया। भारतीय संविधान सामाजिक परिवर्तन का ब्लू प्रिंट है। माननीय काशीराम साहब ने संविधान के इस ब्लू प्रिंट को धरातल पर उतारकर सामाजिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि तैयार की। माननीय काशीराम साहब ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले साधारण से इंसान के बीच में जाकर उसकी मुक्ति की बात की। साइकिल चलाकर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरब से पश्चिम तक भारत की यात्रा करके देश के दबे कुचले वंचितों को जागृत कर भारत की राजधानी दिल्ली के सपने दिखाए। माननीय काशीराम साहब ने SC ST OBC धार्मिक अल्पसंख्यकों को मिलाकर बहुजन समाज की मुक्ति के लिए बहुजन आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। बहुजन आंदोलन से देश के तमाम राज्यों, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्यों में 4 बार सरकार बनाकर संगठन की शक्ति और रिजल्ट अपने आंदोलन को रिजल्ट में परिवर्तित किया। बहुजन आंदोलन से मनुवाद अधमरा हो गया था,
किंतु छल कपट झूठ फरेब जुमले की राजनीति ईवीएम की हेरा फेरी से पुनः सत्ता में आकर तांडव करने लगा है। समाज में घृणा और भय का वातावरण है, जुल्म जातियां बढ़ गई हैं, बहुजनों पर बलात्कार लूट हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं, दंगे फसाद जातिवाद जारी है, सत्ता का वर्चस्व सिर चढ़कर बोल रहा है। ईवीएम का दुरुपयोग हार को जीत में बदल रहा है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह है, सामाजिक मूल्यों का पतन जारी है, देश में निर्वाचन अधिनायकवाद की स्थिति निर्वाचित अधिनायकवाद की स्थिति बन गई है, धार्मिक उन्माद और छद्म हिंदू राष्ट्र की अवधारणा लादी जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर सरकारी नियंत्रण, न्यायपालिका पर राजनीतिक नियंत्रण और संविधान की मर्यादाओं के अतिक्रमण से बहुजन समाज के अस्तित्व पर गंभीर संकट दिखाई दे रहा है। वर्तमान सत्ताधारी दलों तथा उनके सहयोगी संगठनों ने षड्यंत्र के माध्यम से सत्ता पर बने रहने के तरीके ढूंढ रहे हैं। इसके कारण और निवारण पर बहुजन समाज के आंदोलनों, संतों, गुरुओं की बात इस बहुजन समाज ने नहीं मानी। जो हमारे संत गुरु और बहुजन महानायकों ने जो हमें निर्देश दिया, जो हमें उपदेश दिया, जो हमें रास्ता दिखाया, हमने उनकी बातों को नहीं माना। देश में बहुजन समाज का एक बड़ा हिस्सा समाज की समस्याओं से कन्नी काटकर अपना पेट पालने में लगा हुआ है। बहुजन समाज के शिक्षित और प्रबुद्ध वर्ग पर बाबा साहब ने भरोसा किया था। बहुजन समाज का बुद्धिजीवी या सुविधाभोगी वर्ग निकम्मा साबित हो रहा है। पहले हमें दुश्मन ने बिखेरा था, आज हम खुद बटे हुए हैं। लोग 6000 की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लोगों ने दिया है कि बहुजन समाज के 30 लाख से अधिक संगठन बन चुके हैं। मेरा ये मानना है कि एक विचारधारा वाले लोगों को एक समय में एक उद्देश्य के लिए एक से अधिक संगठन नहीं बनाने चाहिए। हमारे सब लोग विभिन्न तरह के संगठन बनाए हुए ये कहते हैं कि लक्ष्य हमारा सबका एक है, मैं ऐसा नहीं मानता। किसी का लक्ष्य बिल्कुल एक नहीं है। दीमक भी दिन रात काम करती है, लेकिन वो निर्माण नहीं विनाश करती है। ये विभिन्न संगठनों के तमाम तरह बिखरे रहने के कारण आज समाज की जो स्थिति बन गई है, उससे भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान खतरे में है। इससे यही लगता है कि ना हम अंबेडकर को समझ पाए, ना अंबेडकरवाद को समझ पाए, ना उनके दिए गए संविधान को समझ पाए और ना लोकतंत्र को समझ पाए। समय कम है, मुझे कुछ बोलना था। मेरा अंतिम समाधान के रूप में बहुजन समाज की समस्याओं का समाधान बहुजन समाज की सत्ता स्थापित करने में है। बहुजन समाज की सत्ता जब तक स्थापित नहीं होगी, तब तक ना संविधान बच सकता है, ना लोकतंत्र बच सकता है, ना बहुजन समाज बच सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा जय भीम।